नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 अप्रैल, दिन शुक्रवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह से की मुलाकात। शराबबंदी को लेकर सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। अतीक अहमद को भारत रत्न देने की मांग करने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। इस दिन खाली कर सकते हैं राहुल गांधी अपना बंगला। अपने पुराने सक्रिय न रहने वाले कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाएगी आम आदमी पार्टी। अब चलिए बढ़ते हैं प्रदेश और देश की राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह से की मुलाकात। बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जदयू को छोड़ने के बाद गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अब अमित शाह से मुलाकात के बाद बिहार की सियासत गर्म होती दिख रही है। दरअसल लोगों के बीच इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एनडीए में शामिल हो सकती है। आने वाले चुनाव को लेकर बिहार का राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलता नजर आ रहा है। एक के बाद एक अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का अचानक अमित शाह से मुलाकात करना काफी अहम माना जा रहा, लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियों के तरफ से मुलाकात की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। दरअसल पटना लौटने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुलाकात के दौरान क्या बात हुई है, जब मुझे आवश्यकता महसूस होगी तब मैं बताऊंगा। कर्नाटक चुनाव में नए चेहरे के जरिए बीजेपी आजमाएगी अपनी किस्मत। कर्नाटक में इन दिनों सभी चुनावी पार्टी चुनाव के रंग में रंगे हुए हैं। हर कोई अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में पूरी तरह से लगा हुआ है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लिया है। चुनाव में नए प्रयोग के रूप में अपने 73 नए चेहरों को उतार कर अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश में लग चुकी है। अक्सर तो यही होता था कि प्रत्याशियों का चयन प्रदेश के नेताओं के साथ में होता था। चूंकि कई विधायकों से पार्टी को बगावत का सामना भी करना पड़ा, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भी शुमार थे। दरअसल बीजेपी से इन्हें इस बार टिकट नहीं मिलने पर इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। शायद इसलिए ऐसा पहली बार हुआ है कि यह जिम्मेदारी खुद केंद्रीय नेतृत्व द्वारा संभाली जा रही है। शराबबंदी को लेकर सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार पर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने तंज कसते हुए कहा है कि जब कुछ प्रभावशाली लोगों के गंभीर मामलों में सजायाफ्ता यानी दंडित होने के बाद भी उनके रिहाई के लिए जेल मैनुअल को शिथिल किया जा सकता है, तो फिर शराबबंदी कानून तोड़ने के सामान्य अपराध से जुड़े 3,61,000 मुकदमों को भी वापस लिया जा सकता है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार लोगों के लिए आम माफी का ऐलान कर सरकार को 25,000 लोगों की तुरंत रिहाई का रास्ता साफ करना चाहिए। इसे मुख्यमंत्री अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि शराबबंदी मामले में गिरफ्तार हुए लोग कोई शातिर अपराधी नहीं है, बल्कि उनमें से 90% लोग दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज से हैं। इन वजह से कई बड़े नेताओं के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से हटाए गए ब्लू टिक। जब से ट्विटर का दायित्व एलन मस्क ने संभाला है, तब से इसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिले, जिस वजह से यह अक्सर चर्चा में बना रहा। एक बार फिर से ट्विटर लोगों के बीच काफी चर्चा में बना हुआ है। दरअसल इसने एक से एक बड़े नेताओं का जो अनपेड अकाउंट था उसका ब्लू टिक हटा दिया। मालूम हो कि ट्विटर का कमान संभालते ही एलन मस्क द्वारा यह ऐलान किया गया था कि 20 अप्रैल के बाद से जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उनके अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया जाएगा। अब पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेने वालों में बिहार के कई बड़े नेता भी शामिल थे जिनके वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के इन बड़े नेताओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ राजद के सुप्रीमो लालू यादव और भी कई बड़े नेता शामिल है जिनके अकाउंट से ब्लू टिक हटाया जा चुका है। आनंद मोहन के जेल से रिहाई का काउंटडाउन हुआ शुरू। बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले और शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन के जेल से रिहाई हो सकती है वाली खबर सुनने को मिली है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक आनंद मोहन को परिहार पर रिहा करने की फाइल मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुकी है। यदि मुख्यमंत्री द्वारा इस फाइल को स्वीकृति मिल जाती है तो नोटिस कभी भी गृह विभाग के तरफ से जारी किया जा सकता है। ऐसे में आनंद मोहन के जेल से रिहाई का रास्ता धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। मालूम हो कि आनंद मोहन गोपालगंज के जिला अधिकारी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा में जेल में है। भारत राष्ट्र समिति ने जनता दल को बताया मित्र पार्टी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता दल को समर्थन देने की घोषणा तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 मई को होने वाले चुनाव में उनके द्वारा कोई उम्मीदवार नहीं उतारे जाएंगे। बता दें कि जनता दल को भारत राष्ट्र समिति ने मित्र पार्टी बताया है। पहले भारत राष्ट्र समिति का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति था, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में भी अपने पांव पसार सके इस मकसद से पार्टी ने अपना नाम बदल लिया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पार्टी सूत्रों से इस बात की जानकारी सामने आई है कि जनता दल पार्टी उसकी मित्र पार्टी है और पार्टी के पास इतना पर्याप्त समय भी नहीं था कि वो चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारने की योजना बना सके।
अतीक अहमद को भारत रत्न देने की मांग करने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। यूपी में प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर अभी मामला गरमाया ही था कि एक और खबर सामने आ गई। दरअसल माफियाओं के कब्र पर कांग्रेस नेता राजकुमार रज्जू ने तिरंगा चढ़ाया है। नेता का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसे निष्कासित कर दिया गया है। अब इस मामले में इस नेता को जेल भेजा जा चुका है। साथ ही इस मामले में जो अन्य लोग भी शामिल थे उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने की बात पुलिस की तरफ से सामने आई है। बता दें कि माफिया के कब्र पर तिरंगा चढ़ाने वाला शख्स साउथ मलाका का रहने वाला है। इसने अतीक अशरफ को शहीद का दर्जा देने की बात कहते हुए उसके लिए भारत रत्न की मांग भी कर दी है। बता दें कि नेता के इस बयान के बाद उसकी काफी आलोचना की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। बिहार में विपक्ष अक्सर नीतीश कुमार को कई मुद्दों पर घेरती नजर आती है। कभी बालू माफियाओं के मामले पर, कभी शराबबंदी पर, तो कभी शिक्षा के गिरते स्तर पर। एक बार फिर से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सवाल उठा दिए हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने पूछा है, क्यों आपने विद्यालय से शिक्षकों को गन्ना के काम में लगा दिया है? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को सत्ता में बैठे लोगों ने बर्बाद कर दिया है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रतिभा का हनन कर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। गन्ना के काड़े में शिक्षकों को लगाकर आपने किसके भरोसे विद्यालय को छोड़ दिया? इस दिन खाली कर सकते हैं राहुल गांधी अपना बंगला। मोदी सरनेम केस में सुनाई गई सजा पर रोक लगाने से गुजरात की एक अदालत ने मना कर दिया है। अब अदालत के पास इस फैसले से राहुल गांधी को फिर से बड़ा झटका लगा। मालूम हो कि राहुल गांधी के लोकसभा की सदस्यता इसी सजा के बाद खत्म हो गई थी। सदस्यता जाने के बाद उन्हें बंगला खाली करने के लिए नोटिस भी भेजा गया था। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले से ही राहुल गांधी अपना बंगला खाली करने में लग गए थे। सूरत कोर्ट से आखिरी फैसला अभी आना बाकी था, जिस वजह से उन्होंने अपने पूरे बंगले को खाली नहीं किया था। लेकिन मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कोर्ट का फैसला आने के बाद वे शनिवार तक बंगला खाली कर देंगे। जेल से रिहाई वाली खबर पर आनंद मोहन ने दी ये प्रतिक्रिया। पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों के पैरोल पर बाहर आने के बाद अपने बेटे की सगाई और परमानेंट रिहाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद की 24 अप्रैल को होने वाले सगाई को लेकर पैरोल पर बाहर आए हैं। बेटे की शादी वाली बात पर उन्होंने कहा कि बेटी की शादी की जिम्मेदारी एक पिता की होती है, लेकिन बेटे के शादी में वे काफी रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। अपनी बहू को लेकर उन्होंने कहा कि वो काफी पढ़ी लिखी और संस्कारी भी है और फिलहाल जयपुर में एक चिकित्सक है। अपनी परमानेंट रिहाई की बात पर उन्होंने कहा कि यह खबर उन्हें मीडिया के जरिए पता चला है। जयपुर के कैबिनेट मंत्री पर एक युवक को खुद का जान लेने के लिए उकसाने का लगा आरोप। राजस्थान के जयपुर में राम प्रसाद मीना नाम के युवक की खुद के जान लेने के प्रकरण में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ती जा रही है। दरअसल मंत्री पर परेशान करने का आरोप इस युवक ने लगाया था। युवक ने अपनी जान लेने से पहले एक कथित वीडियो जारी किया था, जहां वह महेश जोशी के साथ साथ अन्य लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा था। अब इस मामले में अपनी जान लेने के लिए उकसाने का केस जयपुर पुलिस ने मंत्री जोशी के साथ ही अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार के दिन परिवार की अनुमति से सब का पोस्टमार्टम किया जाना है। अब इसी बीच ट्विटर पर भी ये मामला महेश जोशी को अरेस्ट करो ट्रेंड होने लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत में होने वाले SCO मीटिंग में होंगे। पाकिस्तान में इन दिनों की स्थिति बनी हुई है, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए भारत के साथ होना जरूरी लगने लगा है। शायद इसलिए पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के लिए कई बार जिक्र भी कर चुका है। दरअसल इन दिनों पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। उनके यात्रा का उद्देश्य पाकिस्तान की पस्त हुई आर्थिक स्थिति से देखा जा रहा है। इससे पहले भारत के धरती पर साल 2014 से पहले ही किसी पाकिस्तान के मंत्री ने भारत की जमीन पर कदम रखे थे। खबर सामने आई है कि विदेश मंत्रियों के SCO बैठक में बिलावल भुट्टो हिस्सा लेने वाले हैं। गोवा में होने वाली यह बैठक 4 और 5 मई को होने वाली है। KS ईश्वरप्पा ने चुनावी राजनीति से की सेवानिवृत्ति की घोषणा। कर्नाटक के वरिष्ठ नेता KS ईश्वरप्पा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राजनीति से सेवानिवृत्ति की घोषणा के लिए फोन पर धन्यवाद दिया है। बता दें कि युवाओं के लिए ईश्वरप्पा ने सीट छोड़ दी और साथ ही हाईकमान के निर्देश पर नीति के लिए पार्टी को भी छोड़ दिया है। मालूम हो कि वरिष्ठ उम्मीदवारों को टिकट न देकर कर्नाटक चुनाव 2023 में बीजेपी पार्टी नए चेहरों को उतार रही है। इसी वजह से बीजेपी हाईकमान द्वारा चुनाव से रिटायर होने का निर्देश ईश्वरप्पा और जगदीश सरटार को दिया गया था। उसके बाद ही अपनी चुनावी सेवानिवृत्ति की घोषणा ईश्वरप्पा द्वारा की गई, लेकिन आला कमान के खिलाफ हुए जगदीश सरटार टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अपने पुराने सक्रिय न रहने वाले कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाएगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए करीब एक दशक हो चुके हैं। अब तो पार्टी ने एक राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा भी हासिल कर लिया है, लेकिन इन दिनों पार्टी को कोई मुश्किल
हालात से गुजरने पड़ रहे हैं। दरअसल पार्टी के कई मुख्य कार्यकर्ताओं से इन दिनों सीबीआई और ईडी की पूछताछ चल रही है। अब इस मामले को लेकर जानकारी सामने आई है कि अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी सड़कों पर उतार रही है और उन लोगों को भी याद कर रही है जो शुरुआती दौर में ही उनसे जुड़े थे लेकिन कार्यक्रमों में सक्रिय नहीं। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक पार्टी अपने उन पुराने वॉलंटियर से संपर्क बनाने की कोशिश में लगी हुई है ताकि उनसे यह जाना जा सके कि आखिर वे किसी भी कार्यक्रम में सक्रिय क्यों नहीं है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में पार्टी के तरफ से आयोजित प्रदर्शन और किसी तरह के आयोजनों में कार्यकर्ताओं की संख्या में काफी गिरावट देखने को मिली है। सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों को कही ये बात। सिविल सेवा दिवस के मौके पर देश के शीर्ष अफसरों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि अफसरों को इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि सत्ताधारी दल सरकारी पैसे का इस्तेमाल वोट बैंक बनाने के लिए ना लुटा पाए। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अफसर हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचो कि सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टियां सरकारी धन का इस्तेमाल देश के विकास में कर रही है या अपने दल के विस्तार में या फिर वोट बैंक बनाने के प्रयास में वह लुटा रही है। अफसरों को पीएम द्वारा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को विस्तार देने का भी आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो देश का धन लूट जाएगा। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, बाबूलाल मरांडी, प्रिंस राज, रविशंकर, मोहम्मद जकीर हुसैन, अनवर करीम खान, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अर्जुन राम, दीप चंद्र कुमार, अंशु प्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कई बार सरकारी धन का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां अपने दल के विकास या वोट बैंक में करती है, इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।